हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की मधुर स्मृति कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग जय ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्विका द्विधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री राधा रमण जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। रूपानुग्रु वर्ग की जय। वृंदावन अवधीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि की जय। तिरुभाव तिथि पालन करे भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के तिरुभाव तिथि का पालन करेंगे और आज हमारे साथ होंगे हमारे परम पूजनीय वेदांत श्रीधर महाराज जी। और महाराज जी के पहले हम एक कीर्तन सुनेंगे भक्तों से जो कि श्री वृंदावन धाम से कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप कीर्तन शुरू करें। जी जी प्रभु जी। जय अनिल प्रेमाना करुणा प्रचुर। जय अनिल प्रेमा करुणा प्रचुर। जय अनिल प्रेमा करुणा प्राचुर। जय अनिल प्रेमा करुणा प्राचुर। हे न प्रभु भागेला आचार्य ठाकुर। ना प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर। प्रभु मोरा स्वरूप कहा सनातना दस रघुनाथ पति पावा। कहाँ दशरथ पति तपावा। मोरा भाषा कबीरा एक कले को गेला नटरा। Oh
कले को थाकेला गोर नटरा एक कले को थाकेला आशाने कोटी बो माता अनाले पाशी बो आशाने कोटी बो माता अनाले पाशी बो आशाने कोटी बो माता अनाले पाशी बो तोरंग गुणे रानी के कोठा के ले सब संगीरा संगे एकाइला बेटा सब संगीरा संगे एकाइला बेटा सब संगीरा संगे एकाइला बेटा se sandana palya tante karta mata se sandana Hare Hare
Thank you.
बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। आप सभी ने अभी हमारे ब्रह्मचारियों से, वृंदावन धाम से बहुत सुंदर विरहात्मक कीर्तन सुना। नरोत्तम दास जी किस तरह से विरह में विलाप कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु और गौर पार्षदों को नहीं पाके, एकदम उनका दिल फटे जा रहा है। और कितने सुंदर बोल थे, पाषाणे कुटीबो माथा अनेले पाशीबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। मतलब एकदम विरह में रो रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और अभी हम आज हमारे परम पावन तिथि है, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस परम पावन तिथि का हम लोग हमारे महाराज जी के साथ पालन करेंगे। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि है और इसमें हम अपने परम पूजनीय भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्रीमुख से कुछ कथाएं सुनेंगे वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में। तो वृंदावन दास ठाकुर, जैसा कि अब सब जानते हैं, ये हमारे नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, उनके पार्षद हैं और इन्होंने चैतन्य भागवत की रचना करी है। और ये महाप्रभु दंडवत महाराज जी, महाराज जी दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही महाराज जी, अनम्यूट करिए। अभी आ रही है? हाँ महाराज जी आ रही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दन दन सब ठीक ठाक है? हाँ महाराज सब ठीक है, आप ठीक हैं? हाँ ठीक। आपका सिग्नल कम है इस फोन का, पता नहीं क्यों। क्या कम है? सिग्नल कम आ रहा है थोड़ा, लेकिन ठीक है, आवाज तो सुनाई दे रही है, दे जाएगी मेरे ख्याल से। ये कह रहा है बैंडविड्थ लो है आपके। बड़े माइक कनेक्ट कर, बोलो। हाँ नेटवर्क सही नहीं आ रही। हाँ कमजोर है नेटवर्क महाराज जी। प्रभु जी हमें तो आपका बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हाँ मेरा क्योंकि सही है, क्योंकि आप शायद ऊपर वाले कमरे में कि नीचे है, कहाँ बैठे हैं? ग्राउंड फ्लोर है प्रभु जी। हाँ इसीलिए कम आता, ऊपर ठीक आता है, ऊपर जाने से ना। प्रभु जी हम माइक लगा देंगे तो आवाज क्लियर आ जाएगी। नहीं आवाज तो क्लियर है लेकिन नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। कोई बात नहीं, सब कर रही है, ठीक आ रही है आवाज महाराज जी की, सही है, आ रही है आवाज तो अच्छी आ रही है, बीच में कट जाती है थोड़ी थोड़ी। आवाज आ रही है सही? हाँ महाराज जी ठीक आ रही है आवाज, आप बोलिए। मैंने सुन को ओ हरे कृष्णा आरंभ करें। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजौ कनिकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ सब एक बार जोर से बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीलाभ विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म
नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हम लोग श्री व्यास अभिन्न श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव महामहोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब उपस्थित हुए हैं। कहते आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। कहते हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में बताए कृष्ण रे जन्म तिथि जेहना पवित्र सही मत वैष्णव तिथि र पवित्र। जैसे भगवान का तिथि अत्यंत अत्यंत पवित्र है उसी तरह जो वैष्णव का जो तिथि है वो भी अत्यंत अत्यंत पवित्र है। लेकिन भगवान से वैष्णव लोग ज्यादा दयालु ज्यादा कृपालु है क्योंकि हम देखेंगे भगवान कृष्ण का केवल एक ही तिथि हमें मिलता है उनका जन्म तिथि, लेकिन उनका तिरुभाव तिथि में नहीं। लेकिन वैष्णव लोगों का दो तिथि हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि जन्म तिथि और उनका एक तिरुभाव तिथि। इसलिए शास्त्र बताए जैसे कृष्णा कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यति तत्वतः। कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म और जो कर्म है ये अलौकिक और दिव्य है, अगर इसको तत्वतः अगर कोई समझ ले तो बोले त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नयति मामेति स्वर्गं। शरीर छोड़ने का बाद जगत में उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। उसी तरह भक्तों का भी कहते न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानं च विद्यते। उसी तरह वैष्णव का जो जन्म है उसी तरह न जन्म कर्म बंधनम, वैष्णव का जन्म कर्म बंधन नहीं। वो भगवत इच्छा से आते हैं और भगवत इच्छा से जगत से चले जाते हैं। अगर वैष्णव लोग अगर चाहे तो जैसे ध्रुव महाराज जी स्वशरीर में उन्होंने वैकुंठ विजय किया है। श्री मध्वाचार्य ये स्वशरीर में भगवत धाम को प्राप्त गमन किए हैं। इसलिए भक्त लोग अगर चाहे तो वो अपना स्वशरीर में भगवत धाम को जा सकते हैं। लेकिन वैष्णव लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु हुए, वो कृपा करके हैं जब उनका तिथि आता है तिथियों में हम उनको विशेष विशेष करके स्मरण करें। भगवान कृष्ण और राम साल में उनका एक ही तिथि मिलता है जिस तिथि में उनको जन्म उत्सव और लीलाओं को हम गान करते हैं। लेकिन वैष्णव लोग बड़े दयालु कृपा करके हमें दो दो तिथि कृपा करके दे करके चले गए। दोनों तिथि आने पर जब हम वैष्णव का गुणगान करते हैं उनकी कथा सुनते हैं उनकी भजन पद्धति के ऊपर हम सुनते हैं हमारे अंदर में भगवत भजन की बड़ी उत्कंठा जगता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री गदाधर पंडित को पास में भागवत कथा सुनने जाते थे गदाधर पंडित महाप्रभु से प्रश्न करते थे प्रभु आज कौन सा प्रसंग आप सुनना चाहते हो, तो महाप्रभु बोलते थे हमें ध्रुव अम्बरीश महाराज भरत महाराज और भक्तों का चरित्र को हमें बारंबार श्रवण कराओ, क्योंकि भक्तों का चरित्र को सुनने से हमारी अंदर में भजन करने की उत्कंठा जागृत होता है। इसलिए भगवत चरित्र से साधारण साधकों के लिए भगवत चरित्र से भक्तों का जो चरित्र हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। इसलिए आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव। कोई वैष्णव शरीर छोड़ते हैं हम उसे मरना शब्द नहीं कहते, उन्होंने वैष्णव मर गए ये मरना शब्द हम नहीं कहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं इनको तिरुभाव महोत्सव विरह महोत्सव अंतर ध्यान लीला। हम मरना शब्द नहीं कहते हैं। बोले वैष्णव के लिए मरना शब्द क्यों नहीं कहते हैं? बोले कारण है जो वैष्णव लोग ये भगवत इच्छा से जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी।
जब कृष्ण और महाप्रभु इस जगत में धरा धाम में आते हैं, वो अकेले नहीं आते, वो धाम और पूरा परिकरों को लेकर के ये मरते जगत में आते हैं। और जब जाते हैं और अपना परिकरों को लेकर के प्रभु जी चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिए, लेकिन ये अपराकृत जगत में क्या होता है? अपराकृत जगत में जब एक मंजरी कोई सखी जब गोलोक वृंदावन से इसी मरते जगत में आकर के अनंत कृष्ण विमुख जीवों को भगवान की भक्ति भगवत प्रेम को दे करके जब वो अपना गोलोक वृंदावन जाते हैं, वहां पर मंजरी सखियां भगवान कृष्ण राधा रानी महाप्रभु उनको बड़े स्वागत करते हैं, वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसलिए कहते हैं विरह महोत्सव हम लोग कहते हैं। इसलिए विरह मतलब होता है विशेष पूर्व का रह बा केली, मतलब अपना धाम में जाकर के प्रभु की नित्य सेवा में नित्य लीला में ये प्रवेश करके वहां दिव्य लीला करते हैं। इसलिए हम लोग मरना शब्द नहीं कहते हैं। इसलिए आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का आज तिरोभाव वा विरह महोत्सव है। कहते ये वृंदावन दास ठाकुर, कहते ये कृष्ण लीला में ये कौन थे? कहते ये कृष्ण लीला में ये कोई साधारण नहीं थे, इनके लिए बताया गया। बोले वेदव्यास ज एवासीत दास वृंदावनाधुना सखाज कुसुमा पीड़ कार्यांतरम समाविशत। ये गौरवगण देव दीपक में बताए कि जैसे श्री व्यास देव जी स्वयं जिन्होंने समस्त हमारे ग्रंथों को रचना किया, जिस व्यास देव के लिए कहते हैं व्यास नारायण स्वयं, ये जो व्यास देव ये स्वयं नारायण हैं। इसलिए भगवान की छह तरह का अवतार ठाकुर जी का, उसमें श्री व्यास देव कौन? बोले भगवान की ये सत्यावेश अवतार। ठाकुर जी किसी व्यक्ति को अंदर में अपना शक्तियों को देख करके जगत में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए श्री व्यास देव जी हैं, इन्होंने ही समस्त हमारे जितने वेद पुराण उपनिषदों को इन्होंने श्री व्यास देव जी ने ही सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। अगर श्री व्यास देव ये ग्रंथों को प्रकाशित नहीं होता तो हमें ये क्या वेद किया है, उपनिषद किया है, ये पुराण किया है, महाभारत किया है, ये भगवत गीता किया है और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ किया, हमें पता ही नहीं चलता। इनकी कृपा की वजह से ही हैं द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर दोगी तासव्याम कलया हरे। यदि द्वापर युग का अंत में जीवों का बुद्धि धीरे धीरे उन्होंने देखा ह्रास होते जा रहे हैं, क्योंकि कलियुग में जीवों का जो बुद्धि है हाँ कहते प्रायण अल्प आयुष सभ्य प्राय करके इनका उम्र बहुत कम है। फिर मंदा सुमंद मतयो, इनका मंद मति बड़ा मंद मति है। फिर झुप द्रुता, भजन करने के लिए जाओ तो तरह तरह का बाधा विपत्ति है, हैं तरह तरह का बाधा विपत्ति, भजन करना कलिजीव के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए जीवों को कल्याण करने के लिए वेद व्यास ने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की और उनने अंतिम में कहते भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहिता मले अपस्यम पुरुषम पूर्णम मायांच तत् अपाश्रय। इन्होंने भक्ति योग समाधि के द्वारा जब समाधिस्थ हुए संपूर्ण गोलोक वृंदावन में कैसे श्री जुगल सरकार कैसे लीला विलास कर रहे हैं, कैसे अष्ट सखियों के साथ में बेष्टित है, कैसे नंद यशोदा श्री कैसे दिव्य दिव्य कैसे लीला कर रहे हैं, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को दर्शन करते हुए जैसे टीवी में हम सीरियल दर्शन करते हैं, उसी तरह श्री व्यास देव जी भी ऐसे समस्त लीलाओं को दर्शन करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना किया है, जिसकी वजह से इसी जगत में हम शास्त्र को विषय में हम समझ सकते हैं, शास्त्र को जान सकते हैं। ये शास्त्र मतलब क्या है? शास्त्र हमारे चक्षु है। इसलिए भगवान स्वयं जब ये जगत छोड़ करके चले गए, भगवान कृपा करके ये शास्त्र वेद पुराण रूप ठाकुर जी जीव कल्याण करने के लिए ये ग्रंथ रूप में जगत में अवतीर्ण होते हैं।
सारे ग्रंथों को रचना करने वाले से व्यास देव, वही व्यास देव ही ये उन्होंने फिर युग में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, फिर महाप्रभु भी संपूर्ण अपना भक्तों को लेकर के इसी जगत में आए। उसी तरह श्री व्यास देव भी कलयुग में श्री वृंदावन दास ठाकुर रूप में जगत में अवतीर्ण हुए, और वृंदावन दास ठाकुर जगत में अवतीर्ण होकर के इन्होंने भी महाप्रभु का लीला में जो है व्यास कौन, श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनका नाम ही वृंदावन दास है, इनका नाम से ही पता चलता है ये महापुरुष कितने बड़े श्री महापुरुष है। वृंदावन दास है, और सबका दास नहीं, श्री वृंदावन का ही दास है। कभी वृंदावन धाम क्या है, कभी वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं, कभी ये वृंदावन धाम स्वयं राधा रानी कहती है, अमार हृदय मन मोर मन वृंदावन बने बने एक कर जानी। इसलिए राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए ही ये वृंदावन धाम को राधा रानी स्वयं प्रकाशित करती हैं। इसलिए ये वृंदावन धाम श्री श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, बोले जयति जयति वृंदारण्य मेतद मुरारे प्रियतम मति साधो स्वांत वैकुंठ वासात रमयति सग गोपाल पालयन जत्र गोपी स्वरित मधुर बेणु वर्धयन प्रेम रासे। सनातन गोस्वामी ये वृंदावन धाम की महिमा को गाते हैं, जयति जयति वृंदारण्य मेतद मुरारी। वृंदावन धाम को उन्हें दो दो बार जय गान देते हैं, क्यों, कहते ये वैकुंठ से भी ये श्रेष्ठ, द्वारका मथुरा से भी श्रेष्ठ ये श्री वृंदावन धाम है, जहाँ पर कृष्ण अपना सखा सखी ग्वाल बालों को लेकर लीला करते हैं, जहाँ पर कृष्ण दिव्य रास लीला करते हैं। ऐसे जो वृंदावन धाम है, कहते ये श्री ये कौन है, कहते श्री वृंदावन दास, ये वृंदावन का जो दास श्री वृंदावन दास ठाकुर है। कहते इनकी जन्म कहाँ पर हुआ, देखो ये भी कोई साधारण जगह पर जन्म नहीं लेते हैं। कहते श्री माम गाछी, कहते श्री मोदद्रुम द्वीप, ये मोदद्रुम द्वीप में माम गाछी में ही जन्म ग्रहण करते हैं। कहते ये माम गाछी मोदद्रुम द्वीप है क्या चीज, इसलिए कथा को स्वयं शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती ये जो वृंदावन ये जो नवद्वीप धाम है, जैसे जो नवद्वीपी है, ये जो नवद्वीप है, नवद्वीप नहीं, ये राधा रानी स्वयं अपना हृदय से ही ये नवद्वीप धाम को प्रकट किए हैं। बोले राधा रानी ये नवद्वीप धाम को क्यों प्रकट की, इसलिए शंकर जी पार्वती को और अनंत देव श्री है, श्री अनंत देव को श्री महाविष्णु इसकी कथा सुनाते हैं, कहते नवद्वीप धाम प्रकट कैसे हुआ और वृंदावन दास ठाकुर कैसे नवद्वीप धाम में कैसे प्रकट हुए। कहते एक समय राधा रानी देखती हैं कृष्ण बिना बोले कहीं चले जाते हैं, और जब आते हैं इनके मन में कुछ विचलित दिखते हैं। कहते जो पुरुष लोग स्त्रियों को मन की भावना समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जो स्त्री लोग है ना वो आसानी से पुरुष का मन की बात को वो समझ जाते हैं। इसलिए उन्होंने देखा भैया लगता है कुछ दाल में कुछ काला कुछ गड़बड़ी लग रहा है, क्योंकि अगर कृष्ण कहीं जाए बोल करके जाए, हाँ इसी काम के लिए जाता हूँ मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन बिना बोले क्यों जाते हैं। राधा रानी समझ गई कुछ गड़बड़ी है, एक सखी को पीछे लगा दिया, बोले तुम देखो तो कृष्ण ठीक इसी समय में कृष्ण कहाँ जाते हैं, और जब आते हैं उनका मन में कुछ चंचलता मेरे को दिखने को मिलता है। इतने में एक सखी उनको पीछा 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 करती है, सचमुच से देखा जैसे श्री वृंदावन धाम बड़े सुंदर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जैसे बड़े सुंदर कोयल जैसे कुहुकती हैं, मयूर जैसे केका कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर वृंदावन में बेली चमेली फूल जैसे खिले हुए, कदम वृक्ष तमाल वृक्ष जैसे वहां पर देखते हैं, बड़े सुंदर वहां पर भी एक सुंदर धाम है, जहां पर गंगा कलकल नाद से बह रही है, जहां पर कटहल का वृक्ष आम वृक्ष, जहां पर सुंदर नारियल का वृक्ष बड़ा सुंदर, वहां पर भी बड़ा दिव्य मनोरम स्थान है। वहां पर एक सखी जिसका नाम बिरजा सखी, कृष्ण जा करके वो बिरजा सखी भी बड़ी सुंदरी, उसको साथ में कृष्ण जा करके वहां मिलते हैं। अभी वो सखी उसको देख करके
वो आकर के राधा रानी को बोल देती, बोले तुम जो शंका कर रही थी सही शंका। इतने में राधा रानी भी जाती है और राधा रानी को दर्शन करते ही कृष्ण तो डर जाते, बोले इसको कैसे पता चला कृष्ण कहीं अंतर ध्यान हो गए। और जो बिरजा जो सखी थी वो नदी रूप में बह गई। इतने में कृष्ण राधा रानी समझ गई कृष्ण को ये स्थान बड़ा प्यारा है। और राधा, राधा मतलब क्या है, बोले कृष्ण ने आराध्यते थी, राधा जो हर समय कृष्ण को आराधना करती हैं, कृष्ण की सारी इच्छाओं को जो पूरी करती हैं ये श्रीमती राधा रानी। अब ये स्थिति को देख करके राधा रानी बोलो कृष्ण को ये स्थान बड़ा प्यारा है। वहीं पर राधा रानी सुंदर मीठी 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 बंसुरी बजाई, बंसी ध्वनि सुन करके कृष्ण वहां पर स्वयं प्रकट हुए। राधा कृष्ण की जुगल मिलन हुई और जितने कृष्ण की जितने सबके सब सखियां थी ना, वो सबके सब जितने सखियां सबके सब सखा रूप में सबके सब परिणत हो गए। तो वहीं पर श्री राधा रानी अपना हृदय से जो नवद्वीप धाम नहीं कति ये नॉर्थ कुंज, राधा रानी अपना हृदय से ही ये नव कुंज को उन्होंने प्रकट किया, यही श्री नवद्वीप धाम है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते वहां पर जो एक एक दीप है वो एक एक भक्ति की अंग है। इसलिए कहते श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहाँ पर जन्म हुए, कहते वो जो स्थान है वो स्थान श्री मधोद्रम द्वीप बा दास्य भक्ति, नव विद्या भक्ति में जो दास्य भक्ति है वो दास्य भक्ति का वो अभिन्न स्थान श्री ये नवद्वीप धाम श्री मधुद्रम द्वीप है। श्री मधुद्रम द्वीप में ही वृंदावन दास ठाकुर जन्म हुए। और वहीं पर बोले मधुद्रम मतलब क्या, मतलब होता है आनंद, अद्रुम मतलब होता है वृक्ष, वहां पर विशाल बट वृक्ष था तृतीय युग में, क्योंकि ये धाम नित्य धाम है। जिस समय राम लक्ष्मण सीता तीनों उनको वनवास हो गया, भ्रमण करते करते जब इस मधुद्रम द्वीप में आए उसी बट वृक्षों के नीचे बैठ करके भगवान राम मीठी 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 मुस्कुरा रहे थे। इतने में सीता माता जी ने प्रश्न करते बोले प्रभु आप ये मीठी मीठी क्यों मुस्कुरा रहे हो, बोले देखो सीते मैं कलयुग में यही पर श्री सचिन नंदन गौर हरि में बनकर के आऊंगा और आ करके ये संपूर्ण विश्व को मैं कृष्ण प्रेम को द्वारा है संपूर्ण ये विश्व को मैं सराबर कर दूंगा और संपूर्ण विश्ववासी सबके सब प्रसन्न होकर के मैं जब प्रेम प्रदान करूंगा सबके सब सुखी है या लोक मोर गायब की कीर्ति, सब प्रसन्न होकर के सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पर सबके सब कृष्ण नाम में सबके सब हजार हजार लोग यहाँ परिक्रमा करेंगे, सारा दुनिया के लोग भगवान का नाम जप करेंगे। और मैं उसी समय में तू मेरी पत्नी सीता बन करके विष्णु प्रिया रूप में तुम आओगी और जब मैं 26 साल उम्र में मैं तुम्हें छोड़ करके सन्यास ग्रहण करके मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगी और तुम मेरे विग्रह को यहीं पर लेकर के तुम पूजा करते रहोगी, तो मेरे विरह में अब मैं तेरे विरह में दिन रात हम रोते रहेंगे। इतने में सीता प्रश्न करती बोले प्रभु अगर आपको सन्यास लेना फिर आप ये शादी क्यों करोगे, शादी करके फिर पत्नी को क्यों अब रुला कर क्यों चले जाओगे। फिर भगवान राम सीता को सारे बात समझाते हैं, कहते प्रेम की दो पहलू है, एक विरह है और एक मिलन है। मिलन में क्या होता है, सामने सामने हम मिलन में मिलते हैं और अंदर से खोते हैं, लेकिन विरह से क्या होता है, ऊपर से तो मिलते नहीं लेकिन अंदर से संपूर्ण रूप में विरह मतलब होता है, बी मतलब होता है विशेष पूर्वक, रह मतलब होता है केली, जहां संपूर्ण रूप में अंदर से हम संपूर्ण रूप में चिंतन को द्वारा संपूर्ण हम मिलेंगे। इसलिए मैं यहीं पर इसलिए वो जो विरह का स्थान वो जो पिपरलंब स्थान से नवद्वीप धाम और जो मधुद्रम द्वीप में ही कहती है श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वहीं पर जन्म ग्रहण करते हैं। कहते इनके ये वृंदावन दास ठाकुर जो जन्म ग्रहण किए हैं, कहते जी वृंदावन दास ठाकुर कहते इनके पिता माता कौन है, कहते इनका जो पिता माता कहते उनका माता जी का नाम नारायणी देवी, इनका माता जी का नाम और पिता जी का नाम श्री वैकुंठ नाथ है। कहते जो नारायणी देवी इनकी पुत्र रूप में श्री
वृंदावन दास ठाकुर जन्म ग्रहण करते हैं। अभी प्रश्न है, ऐसे बेटे को जिसने जन्म दी तब वो माँ की कितने महिमा नहीं होगी, माँ की कितने सौभाग्य नहीं होगा। बेटे को व्यास देव को साक्षात जन्म दिए तब उनको इतने सुंदर बेटे कैसे हुए। तब ये चैतन्य भागवत ग्रंथ में बड़ा सुंदर वहां वर्णन आता है, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला में श्रीवास का जो घर है, श्रीवास जो अंगन है, वो कलियुग में रास मंडल है। महाप्रभु वहीं पर रात भर भक्तों को लेकर के कहते ना, श्रीवास मंदिर लैया, श्रीवास मंदिर पंडित लैया एक संप्रदाय। वहां पर कहते हैं श्री हरि वास रे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभ ला प्रभु जगत रे प्राण। महाप्रभु अरे भक्तों को लेकर के श्रीवास अंगन में सारा रात कीर्तन कर रहे थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते विष्णु की खटिया के ऊपर बैठे गए। बैठी करके महाप्रभु अष्ट प्रहर मतलब 24 घंटा उन्होंने अपना विष्णु भाव में विभावित होकर के अपना भाव में विभावित होकर के एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनको सबके सब आशीर्वाद दे रहे थे। सबको ऊपर में महाप्रभु कृपा कर रहे थे सबको ऊपर में, और एक एक भक्तों का एक एक जीवन चरित्र को बता रहे थे, कैसे भक्तों को ऊपर जब विपत्ति आई कैसे भक्तों ने मेरे को स्मरण किया और कैसे मैंने भक्तों को कैसे रक्षा किया। करते करते वहीं पर नारायणी कहती है, नारायणी क्या है, कहती से वृंदावन दास ठाकुर जी का जो बड़ा बेटा है, कहती ये बड़ा बेटा का नाम श्री नलिन पंडित है, कहते उनका कन्या ही है, कहते ये नारायण है, नारायण इनकी कन्या है। कहती ये कृष्ण लीला में ये कौन थी, कहती ये थी किलिम्बिका, जो कृष्ण का प्रसाद को ये ग्रहण करती थी। ये कृष्ण लीला में वही कृष्ण लीला में जो किलिम्बिका ही कहते महाप्रभु लीला में श्री नारायणी बन करके आए, और श्रीमान महाप्रभु ने क्या किया नारायणी को, उन्होंने अपना प्रसाद को उनको प्रदान किया था, जिसमें वृंदावन दास ठाकुर बड़े सुंदर रूप में उसको वर्णना करते हैं। बोले भोजन जाते काछीला नारायणी पुण्यवती ताहा से पाईला। कहते श्रीमान महाप्रभु प्रसाद को बाद में उनको पतल में जो प्रसाद बच गया था वो प्रसाद को कहते उन्होंने श्री नारायण को प्रदान किया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नारायणी कौन, बोले पुण्यवती, क्योंकि भगवान का प्रसाद सबको नहीं मिलता है, कम भाग्य से भगवान का प्रसाद नहीं मिलता है। श्रीवासेर भातृ सूता पालिका ज्ञान ताहारे भोजन से स प्रभु करे दान। कदि जो नारायण थी, कदि श्रीवास पंडित का जो भातृ ये बेटी थी, उस समय उनकी कितना उम्र, केवल 4 साल की उम्र थी और बड़ी भोली वाली है। इसलिए महाप्रभु ने क्या करते थे, अपना भोजन का जो अवशेष उनको प्रदान करते थे। परम आनंद खाए प्रभुर प्रसाद सकल वैष्णव तारे करे आद। तब जब महाप्रभु का ये प्रसाद ग्रहण करती थी, जितने वैष्णव लोग इसको देखकर बड़े खुश होते थे और उसको आशीर्वाद करते थे, नारायण को तू कितने भाग्यवती जो भगवान की प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। धन्य धन्य जे से बिला नारायण बालिका स्वभावे धन्य इहार जीवन खाइले प्रभुर आज्ञा हाय नारायणी कृष्णेर परमा कांधे देखी सोनी। जब उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने प्रसाद पाए, एक दिन महाप्रभु ने कहा नारायणी तुम कृष्ण बोल करके रो सकती हो। जब उन्होंने इतना बोले, महाप्रभु का आदेश पा करके कृष्ण बोल करके ऐसे रोने लगी, उसकी शरीर में सारे अष्ट सात्विक प्रेम प्रकट हुआ,
और कृष्ण प्रेम में रो 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 करके वहीं पर नारायणी मूर्छा हो गई। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं बोले अद्यापि वैष्णव मंडल ए ध्वनि गौंगर अवशस्त्र पायन नारायणी। अभी भी वैष्णव मंडल में कहते हैं ये नारायणी कितने सौभाग्यवती जो कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद को इनको प्राप्त हुआ है। इन्होंने जो महाप्रभु का प्रसाद को ग्रहण किया, महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करने महाप्रभु का कृपा से इनके बेटा रूप में श्री वेदव्यास हैं, स्वयं श्री वृंदावन दास ठाकुर रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इन्होंने चैतन्य भागवत जो ग्रंथ को इन्होंने इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इनको बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। बोले श्री चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास मधुर करिया लीला करिल रचन ग्रंथ विस्तार भय छाड़े जे जे स्थान से स्थाने की छो करीब व्याख्यान। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखे और उसे वृंदावन दास ठाकुर जी ये चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखे। इसलिए जब श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ को श्री वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे उसमें जब लिख रहे थे वही जैसे उन्होंने कृष्ण लीला में कृष्ण के सुंदर सुंदर कथा को गायन किया, उन्होंने महाप्रभु का लीला को भी वही कृष्ण ही कलियुग में राधा भाव दुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम स्वयं कृष्ण जब समस्त लीला को समाप्त करते हुए गोलोक वृंदावन चले गए। एक दिन गोलोक वृंदावन में रात निकुंज में बैठ बैठ करके सोच रहे मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी समस्त इच्छा को मैंने पूरी समस्त भगवान सखाओं का सखा बनकर झूठा था भगवान होकर भी मैया की में मैंने बंधे मैं स्वयं भगवान होकर भी गोपियों की चरण में मैंने स्वयं प्रेम की भिक्षा मांगी और राधा रानी मान करने पर स्वयं राधा जी के चरण में बंसुरी मयूर मुकुट अगर मैंने उतार कर रखी थी बोले राधे तुम इतने क्यों मान की इसलिए मान कर तो छोड़ दो। मैंने सब चीज को मैंने आस्वादन की भगवान होते हुए भी लेकिन एक चीज मेरे दिमाग से ऊपर चला गया बोलो क्या चला गया बोले राधा है आप प्रणय महिमा के दृश्य राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है राधा रानी मेरे अंदर में जो माधुर्य है राधा रानी माधुर्य को कैसे आस्वादन करती है और राधा रानी मेरे माधुर्य को आस्वादन करते हुए मुझे जितने आनंद प्राप्त होता है उससे उनको करोड़ों गुण ज्यादा आनंद प्राप्त होता है वो क्या चीज है। इसलिए ये चीज को आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण चंद्र कलयुग में राधा जी की अंग कांति और भाव को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में जगत में प्रकट हुए। इसलिए जब महाप्रभु प्रकट हुए ये लीला को श्री वृंदावन दास ठाकुर अभिन्न व्यास दे तथि श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में इन्होंने अद्भुत रूप में इस चीज को उन्होंने वर्णना करते हैं अद्भुत रूप में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला रास वृंदावन दास वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल जहार श्रवण नासे सर्व अमंगल। जैसे कृष्ण लीला का व्यास श्री व्यास देव महाप्रभु का लीला का व्यास देव श्री वृंदावन दास है। इन्होंने बड़े सुंदर चैतन्य मंगल ग्रंथों को लिखा। पहले चैतन्य भागवत का नाम चैतन्य मंगल था लेकिन दो ग्रंथ हैं कहते और एक ग्रंथ था जो चैतन्य मंगल अभी दो ग्रंथ हो गया चैतन्य मंगल बोले लोग तो भ्रमित हो जाएंगे इसलिए बाद में इन्होंने चैतन्य मंगल नाम को बदला करके उन्होंने चैतन्य भागवत नाम रख दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर ये चैतन्य भागवत को कोई ग्रंथन करता है जिसको श्रवण करने से जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाएगा जिस ग्रंथ को पढ़ने से कहते महाप्रभु कौन है नित्यानंद प्रभु कौन है जिस विषय को हम अच्छे तरह से
जान सकते हैं और कद भक्ति सिद्धांत का जो सार है, ये भक्ति क्या चीज है, ये चैतन्य भागवत ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप में वृंदावन दास ठाकुर जी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। इसलिए कहते ये जो ग्रंथ है कहते मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, ये चैतन्य भागवत को कोई साधारण इंसान नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, कहते इन्होंने कह रहे हैं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर जी की जीवा में बैठ करके इन्होंने ये ग्रंथों को रचना करवाया। इसलिए कहती ग्रंथों को साधारण व्यक्ति लिख नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे ग्रंथ करीते हो तारिला संसार, यदि इन्होंने ऐसे ग्रंथ को रचना करके विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने उधार कर लिया विश्व ब्रह्मांड को। इसलिए कहते इन्होंने कहते तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जहार श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन, ऐसे दिव्य ग्रंथ लिखे, इस ग्रंथ को लिख करके उन्होंने त्रिभुवन को उन्होंने धन्य कर दिया। इसलिए जिस जब चैतन्य भागवत ग्रंथों को ये वर्णना करते हैं, वर्णना करते समय जब उन्होंने महाप्रभु को जो मंगलाचरण श्लोक में अद्भुत रूप में मंगलाचरण कहते हैं, कहते आजानुलंबित भुजौ कनका बदातो संकीर्तौ कमलायताक्षौ विश्वम् युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। कहते ये वृंदावन दास ठाकुर का गुरु जी कौन थे, कहते इनका गुरु स्वयं श्री नित्यानंद। इसलिए नियम है जो किसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, कहते प्रथमंतु गुरुं पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्बन सिद्धिमाप्नोति जनता निष्फलम भवे। कृष्ण स्वयं कहते हैं कहते प्रथमंतु गुरुं पूज्यम, पहले गुरु जी की पूजा करके उसको बाद में मेरी अर्चना करना पड़ेगा। अगर कोई गुरु जी की चरण को बिना वंदना किए हुए अगर कोई डायरेक्ट अगर मेरा कोई पूजा करता है उसका पूजा निष्फल हो जाएगा। इसलिए बोले गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए। इसलिए इनका गुरु कौन हुए, श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु होने का नाते जब उन्होंने मंगलाचरण करते हैं, नियम है अपना गुरु जी की चरण में वंदना करनी चाहिए, लेकिन ये ग्रंथ का नाम क्या, बोले चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत, नाम चैतन्य भागवत, फिर तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु तो वंदना करेंगे, लेकिन उन्होंने अद्भुत रूप में उन्होंने जो मंगलाचरण को करते हैं एक साथ में उन्होंने अपना गुरुदेव और श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने एक साथ में उन्होंने दोनों को चरण वंदना उन्होंने की यही है। क्या कहते हैं, बोले आजा अनुलंबित भुजौ, कहते मेरे जो गुरुपाद ब्रह्म नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु ये दोनों में कोई भिन्न नहीं, तत्व तो एक ही है। जैसे कृष्ण देखने में काले, बलदेव प्रभु देखने में गोरे, इतना ही फर्क है। इसलिए मेरे जो गुरुदेव और महाप्रभु, कहते महाप्रभु जिस कारण के लिए आए हैं, मेरे गुरुपाद पद में नित्यानंद प्रभु भी उसी कारण के लिए आते हैं, और उनको अंदर में जो जो कुछ है कृष्ण को अंदर में, मेरे गुरु जी के अंदर में भी सब कुछ विद्यमान है मेरे गुरु जी के अंदर में। इसलिए कहते अजान लंबित भुजो, उनका हाथ कैसे, कहते साधारण लोग का हाथ इतना लंबा नहीं होता है, आ जानू, कहते उनका जो हाथ है जानू तक है। और जब हाथ को उन्होंने ऐसे किया जाए, बोले चार हाथ जो महापुरुष होते हैं उनका चार हाथ होता है, हैं? इसलिए आजानुलंबित भुजौ बोले कनका बदातो, कहते उनका शरीर का रंग कैसे है, बोले कनका बदातो, क्यों कलिजुग में उन्होंने राधा जी के अंगकांति भाव को लेकर के आए। हर अवतार में कृष्ण काले हैं, लेकिन एक ही केवल गौरहरी अवतार में उनका जो रंग है ये गौरव वर्ण, क्यों राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के आए। कहते महाप्रभु जैसे उन्होंने राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के आए, मेरे गुरु जी का रंग भी वही गौरव वर्ण है। इसलिए महाभारत में बताए हैं, कहते महाभारत में भी बताए कलिजुग में भगवान जब आएंगे उनको भी उनका अंदर में भी सारे गुण वो उनका अंदर में भी होगा। महाभारत में भी
वहां पर भी आया है, हैं कद चंदनांग सुवर्ण वर्ण हेमांग बरांग चंदनांग दी संन्यात शांत शांत निष्ठ परायण। ये महाभारत में भी बताया कलयुग में जो भगवान आएंगे हैं उनका कैसे उनका स्वरूप होगा, बोले सुवर्ण वर्ण हेमांग, उनका शरीर सुवर्ण रंग जैसे होगा, बड़े सुंदर कोमल होगा, चंदन और अगुर को द्वारा पुष्प माला के द्वारा सुमंडित होएंगे। ये महाभारत में भी बात बताई गई। इसलिए यहाँ पर कहते मेरे गुरुदेव आजानु लंबित भुजो ने कहा बदा तो दोनों का जो रंग है वो कनक वर्ण है। बोले विश्वम भरो, कहते इन्होंने क्या करेंगे कलयुग में आकर के, महाप्रभु का जो बचपन का नाम रखा विश्वम्भर, विश्वम्भर नाम क्यों रखा, कारण क्या, बोले कारण है ये जन्म ग्रहण करते ही अपने आप संपूर्ण पृथ्वी में क्या पेड़ हरा भरा हो गया, फल फूल से सारे वृक्ष लद गई, उसी तरह जैसे कृष्ण आने पर हैं सारा एकदम पृथ्वी वृंदावन धाम सुंदर रूप में सज गई। महाप्रभु जब आए और मेरे गुरुपाद में तो जाए संपूर्ण ये पृथ्वी सज गई। इसलिए साधारण रूप में तो खिलाया पिलाया, लेकिन कहती ये सब कुछ नहीं, उन्होंने भक्ति को द्वारा, इन्होंने भक्ति को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को द्वारा विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने जा जा करके सर्वत्र उन्होंने हरि नाम रूपी जो रस को उन्होंने दुनिया को उन्होंने पान कराया। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद हरिदास ठाकुर को, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, अमर आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा है गुरु है या तारा है देश। महाप्रभु का ये आदेश है, जाओ घर घर में जा करके अपना झोली पसार करके सबको कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम की भिक्षा सबको मांगो। इसलिए मेरे गुरुदेव भी महाप्रभु भी उन्होंने क्या किया, बोले विश्वम भरो, उन्होंने विश्व को भक्ति के रस को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने भरण पोषण किया है। आज संकीर्तन एक पितरो, कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जो जो काम किया मेरे गुरु जी नित्यानंद प्रभु वही काम किया। बोले क्या, बोले संकीर्तन एक पितरो, दोनों ही संकीर्तन प्रभु यज्ञ का दोनों ही पिता है, हैं दोनों ही पिता, जिसको एकादश स्कंध में बताए, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंति ही सुमेधस। कदनेमी नव जोगेंद्र संवाद में जब नेमी महाराज नव जोगेंद्र को प्रश्न करते हैं कलिजू का अवतार कौन है, कलिजू का अवतार कौन है और उनको आराधना कैसे की जाएगी, उसी समय में नव जोगेंद्र कहते हैं कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण जो दो वर्ण जिनकी जुहा में हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, जो हर समय अपना जुहा में कृष्ण कीर्तन करेंगे। बोले तिसाम अकृष्णम, कहते उनका शरीर अंग कैसे होगा, बोले अ कृष्ण, बोले कृष्ण नहीं जो जो कृष्ण जो गोरे होएंगे हैं, बोले सांग वो क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं अकेले नहीं महाप्रभु उनका अंग, बोले कौन, बोले नित्यानंद अद्वैत आचार्य जाएंगे हैं और अपना परिकर अपना परिकरों को साथ में आएंगे। इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे क्या करेंगे, ये संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा वो गौरव हरि को उपासना करेंगे। इसलिए ये इसी श्लोक में भी श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का नाम आता है और कलिजुग का जो युग धर्म है क्या बताए, कलिजुग का युग धर्म क्या बताए, बोले कृते जत ध्यायते विष्णु त्रेतया जजतम कई द्वापरे परिचर जयाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलिजुग में हरि कीर्तन ही कलिजुग का युग धर्म है। इसलिए उनने कलि को स्थान क्यों दिया, कारण क्या, जा स्थान देने का कारण किया, बोले कारण यही था, क्या कारण था, बोले कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बधम परम ब्रजे। यहाँ पर इसलिए उन्होंने कलिजीव को स्थान दिया
इसलिए परीक्षित महाराज अपना दिव्य दृष्टि से देखा कलिजुग आने पर स्वयं सचिनंदन गौर हरि कलिजुग में जब अवतीर्ण लेकर के कलिजुग में दोष ही तो दोष है लेकिन कलिजुग में विशेष गुण है अगर कोई थोड़ी सी हरि कीर्तन कर दे हरि कीर्तन को द्वारा भवसागर से वो पार हो जाएगा। इसलिए कहते संकीर्तन ही का पिता रहो, ये कलिजुग संकीर्तन का पिता ये कौन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु संकीर्तन ही का पिता रहो। मतलब कमलाय ताक्षो विश्वम भरो द्विज भरो दोनों ही द्विज भरो द्विज मतलब ब्राह्मण कुल में दोनों आएंगे ब्राह्मण कुल में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मेरे गुरुदेव और स्वयं महाप्रभु दोनों ही ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होंगे। द्विज भरो युग धर्म पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो इसलिए जगत का कल्याण करने के लिए हैं कल्याण करने के लिए कलिजुग में करुणा करके कौन आएंगे बोले मेरे गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु और श्री मन महाप्रभु कलिजुग में अवतीर्ण ग्रहण होकर जगत में अवतीर्ण होंगे। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते महाप्रभु का जो अद्भुत लीलाओं को चैतन्य भागवत ग्रंथ रूप में जो उन्होंने वर्णन किया है कहते अगर पाषंडी यहाँ पर कहते एक पाखंडी व्यक्ति अगर भी ये कथा को सुनेगा उसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा एक दिन वो भगवान का भक्ति करने लग जाएगा। भक्ति की जो चरम कहते चैतन्य भागवत ग्रंथ में जहां आप पढ़ो भक्ति की सर्वश्रेष्ठत्व को उन्होंने चैतन्य भागवत में स्थापन किया और श्री मन चैतन्य महाप्रभु जब आए इन्होंने कैसे श्री अद्वैत आचार्य पहले आए और आकर के उन्होंने कैसे जगत का दुर्दशा को कैसे उन्होंने देखा कैसे लोग ये जीवन को कैसे नष्ट कर रहे हैं है ये देव दुर्लभ जीवन को कैसे विषय भोग करते हुए कुत्ता कुत्ती बिल्ला बिल्लियों की शादी में और माँ देवी पूजा में करोड़ रुपया को खर्चा करते हैं लेकिन कोई भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। अगर कोई पंडित लोग अगर गीता भागवत पढ़ते भी हो वो आपस में केवल आपस तर्क वितर्क से अपना जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर बड़े सुंदर रूप में वर्णना करते हैं ये चीज को देख करके श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने देखा यद्यपि मैं कलिजुग में विष्णु हूँ मैं स्वयं विष्णु सदाशिव है लेकिन मैं कलिजुग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को मैं प्रचार तो कर सकता हूँ लेकिन ये जो कलिजुग युग है ये कलिजुग कोई साधारण युग नहीं कहते जो कलिजुग है धन्य कलिजुग है जिसको श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं के जावी के जावी रे भाई भाव सिंधु पार धन्य कलिजुगे रचय तन्न अवतार तन्न अवतार। इसलिए कहते धन्य कलिजुग में श्रीमन महाप्रभु आए और उन्होंने क्या करेंगे कलिजुग में कहते हरि नाम नौका खानी श्री गुरु कांडारी हरि नाम क्या ये नाव है और गुरुपाद पद्म नाव को चलाने वाले हैं और महाप्रभु को कृपा रूपी जो हवा है बस भगवान का नाम जप करो संसार से पार हो जाओगे। इसलिए उन्होंने देखा मैं तो ये काम कर सकता हूँ हरिनाम युग धर्म लेकिन ये जो धन्य कलिजुग में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार केवल श्री महाप्रभु कलिजुग में आकर के ब्रह्मा उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं उनके लिए भी जो दुर्लभ प्रेम श्री महाप्रभु कलिजुग में आकर के वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करेंगे। इसलिए अद्वैत आचार्य जी ने देखा मेरे प्रभु ही ये काम कर सकते हैं इसलिए उनको जगत कराने के लिए सोचा जल्दी से जल्दी कैसे लाऊं जगत में तब उन्होंने पुराण को पढ़ते हुए शास्त्र में देखा तुलसी दल मात्र न तुलसी छुलक न अगर कोई थोड़ी एक गंडो पानी गंगा पानी उसमें तुलसी ले पत्ता लेकर के अगर हृदय से कोई अगर भगवान को पुकारे तो भगवान इसको ऋणी से उऋणी बनने के लिए अपना सर को खुजलाने लग जाते। इसलिए उन्होंने साक्षात महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को जगत में कैसे उन्होंने प्रकट करवाया वृंदावन दास ठाकुर अद्भुत रूप में श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में महाप्रभु का जो सुंदर सुंदर लीला जिस समय महाप्रभु जन्म ग्रहण करते हैं कई सबके सब लोग हैं चंद्र ग्रहण की उपलक्ष्य में सबके सब हरि बोल करते 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 गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं हरि बोल करते करते क्यों
महाप्रभु ये सोच रहे थे जब इसी जगत में मैं अवतीर्ण होऊंगा, इसलिए जगत में मैं अवतीर्ण होऊंगा जगतवासियों को नाम प्रेम प्रदान करने के लिए। ऐसे समय में मैं आना चाहता हूँ जिस समय लोग सबके सब हरि बोल भगवान का नाम ग्रहण करते हुए होंगे, उसी समय में अवतीर्ण होना चाहता हूँ। सबके सब हरि बोल कर रहे थे। ठीक शाम का समय में सचिनंदन गौर हरि निमाई बनकर के श्री नवद्वीप में सच्ची माँ की लाला बनकर के जन्म ग्रहण किए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर अद्भुत रूप में अभिन्न कृष्ण चंद्र की जो कथा श्री महाप्रभु का जो लीला कथा को बड़े सुंदर रूप में उन्होंने वर्णना करते हैं। जब उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ वर्णना चैतन्य भागवत में महाप्रभु का लीला वर्णना कर रहे थे, लेकिन लीला ग्रंथ तो चैतन्य भागवत है, लेकिन उनका गुरु जी कौन है? कहते उनका गुरु जी नंद प्रभु। अगर महाप्रभु की कथा वर्णना करते करते अगर बीच में कथा को वर्णना करते करते अगर बीच में अगर श्री नित्यानंद प्रभु का कोई थोड़ी सी कथा उसमें इंगित आ गया, हिंट आ गया, फिर वो क्या करते थे? वहीं पर महाप्रभु की कथा को उन्हीं पर रख लेते। फिर तो उन्होंने नित्यानंद 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 फिर तो उन्होंने केवल महा नित्यानंद प्रभु कथा को बोलना शुरू कर देते। नित्यानंद नित्यानंद पूरा कथा बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने नित्यानंद प्रभु कथा उन्होंने वर्णना करना शुरू कर देते। करते 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 नित्यानंद प्रभु कथा करते करते जब कुछ तो थोड़ी देर बाद याद आता था, अरे ये तो चैतन्य भागवत है, इसमें तो मैं चैतन्य भूल रहा था, लेकिन ये तो महाप्रभु कथा में भूल गया। फिर तो मैंने नित्यानंद प्रभु नित्यानंद पूरा नित्यानंद प्रभु की महिमा, कैसे उन्होंने राड देश में जन्म हुए, कैसे उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने क्या लीला की, जगाई माधाई को कैसे उन्होंने उद्धार किया, हैं बड़े बड़े दस्यु डकाए थे कैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु उद्धार किया, कैसे उन्होंने जवन को उन्होंने प्रेम प्रदान किया, नीचे छोटे जातियों को कैसे उन्होंने प्रेम प्रदान किया, हैं उन्होंने की पूरा नित्यानंद प्रभु थे। जब याद आता था अरे मैं तो भूल गया महाप्रभु कथा, फिर दोबारा महाप्रभु कथा शुरू करते थे। इसलिए ऐसे करते 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 उन्होंने यहाँ पर शिक्षा क्या देते हैं, यहाँ पर शिक्षा देते हैं अपना गुरु जी के चरण में जीव की कितनी आसक्ति होनी चाहिए। जब कहीं गुरु जी की कथा कहीं आ जाए कहते वहां पर भगवान की कथा को वहीं रख करके क्या करो, वहां पर गुरु जी की महिमा को हमें गान करनी चाहिए, हैं गुरु जी की महिमा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं जय में जना मैं पार्थ नाम में भक्तास्ते जना मत भक्ता नाम था जो भक्तास्ते समय युक्त तमामता। भगवान कहते हैं जो कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन भक्त कौन है? कहते जो कहता है मैं भक्तों का गुरु जी का भक्त हूँ, हैं। इसलिए इन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ में महाप्रभु की कथा तो वर्णना किया है, लेकिन जो उनकी जो अंतिम जो कथा है उनका जो ये लीला को उन्होंने ठीक से वर्णना नहीं कर पाए, इसलिए नहीं वर्णना करने का पाते। इसलिए बाद में जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आते हैं फिर उन्होंने कहते हैं इन्होंने विस्तृत रूप में जो वर्णना किए उसको प्रणाम करते हुए मेरे लिए उन्होंने उच्चिष्ट रूप में जो छोड़ कर गए हैं मैं वो लीला को वर्णना करने के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत में उन्होंने महाप्रभु का जो अंतिम लीला कैसे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जाकर के गंभीरा में महाप्रभु जी से भाव का आस्वादन करने के लिए आए थे, गंभीरा में बैठ गई वो कैसे उन्होंने विषय को हैं राधा रानी के भाव को कैसे आस्वादन किया उन्होंने सुंदर रूप में वर्णना किया है। इसलिए श्री वृंदास ठाकुर जी हैं वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु की महिमा को नित्यानंद प्रभु महिमा को गा रहे हैं। गाते गाते वो कहते हैं मतलब त्रिभुवने नित्यानंद द्वारे पाई लेन प्रेम धने। यहाँ पर के तुम साक्षात रूप में देखो ये विश्व ब्रह्मांड में और जिन जिनियों को प्राप्त हुआ है किसकी कृपा से ये प्राप्त हुआ है, बोले मेरे गुरु नित्यानंद प्रभु कृपा जिसकी प्रेम मिला और नित्यानंद प्रभु समस्त तीर्थ में भ्रमण करने के लिए गए थे नित्यानंद प्रभु और उन्हें भ्रमण करते करते धाम में आते ही उन्होंने वही श्री बलाई रूप में बलदेव प्रभु में विवाहित होकर के बच्चों के साथ में धूल में
लौट पट खेलना शुरू कर देते हैं। जब मंदिर मंदिर में उन्होंने गए, उन्होंने कृष्ण कहा हुआ, बोले सारे मंदिर वृंदावन में कृष्ण गए कहा, सब खाली कैसे पड़ा हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले अभी ब्रजर जो कान्हाई अभी नदिया का निमाई बनकर के जन्म हुए, अभी वही कान्हाई अभी नवद्वीप में श्री मनमा निमाई बनकर के जन्म हुए हैं, अभी तुम जल्दी जल्दी कहाँ चले जाओ, नवद्वीप में चले जाओ, इसलिए नवद्वीप में जा करके तुम्हारी प्रभु जी से तुम मिलन करो, वहीं पर तुम्हारी प्रभु तुमको मिलेंगे। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु फिर वृंदावन छोड़ करके नवद्वीप, फिर नवद्वीप चले जाते हैं। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु सख्यात बलदेव प्रभु, लेकिन इन्होंने कभी को इन्होंने कृष्ण प्रेम नहीं दी, कभी किन्होंने प्रचार नहीं किया, किसको कृष्ण नाम नहीं दिया, कृष्ण भक्ति उन्होंने प्रचार नहीं किया। बोले क्यों, बोले जब तक मेरे प्रभु नहीं आते हैं, जब तक मेरे प्रभु का आदेश नहीं हो, तब तक ये मैं प्रेम दे नहीं सकता हूँ। जब मेरे प्रभु आएंगे, मेरे को आदेश करेंगे, तभी ये प्रेम को मैं प्रदान करूंगा। है यहाँ शिक्षा देते हैं, हमें हर समय गुरु वैष्णव की आनुगत्य में ही रहनी चाहिए, अनुगत्य विहीन हमें नहीं होनी चाहिए। बोले चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य जस वैसे जहार जीवाय। वृंदावन दास ठाकुर अपना गुरु की महिमा कह रहे हैं, चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद राय, कहते मेरे गुरुदेव नित्यानंद प्रभु कौन है, कहते श्री जो पहला जो प्रकाश बलदेव कृष्ण का आदि काय भी कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु। जब कृष्ण स्वयं अपना सेवा शिक्षा देना चाहते हैं जगत को, अपना भक्ति सेवा शिक्षा देना चाहते हैं, उसी तरह बलदेव कृष्ण सर्वप्रथम क्या करते हैं, आदि काय व्यय रूप में श्री बलदेव प्रभु रूप में प्रकाशित तो होते हैं। कहते जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो, कभी भी किसकी जीवा में महाप्रभु की कथा कभी प्रकाश हो ही नहीं सकता है। कहते मेरे गुरु जी की कृपा से ही जीव के जीवा में भगवत भक्ति प्रकाशित तो हो सकता है। चैतन्य रे कृपा है नित्यानंद रति, नित्यानंद जानी ले विपति नाही कति। कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु को चरण में रति नहीं होगी। जब नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु चरण रति नहीं होगा। अगर कोई नित्यानंद प्रभु को कोई जान लिया तो जीवन में कोई विपत्ति नहीं। इसलिए निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। कहते करोड़ चंद्र का सुशीत से जब ज्यादा सुशीतल नित्यानंद प्रभु का चरण है। इसलिए जब उन्हें नित्यानंद प्रभु के संसारे पार हैया भक्ति रसागरे जे डूबी वैसे भजो का निताई चंदेरे। अपना गुरु जी की महिमा कह रहे हैं, अगर कोई भवसागर से पार होकर के भक्ति रस में अगर कोई डूबना चाहते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, बोले जे डूबी से भजू को निताई चांदेर। जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा, कभी कृष्ण प्रेम रस में कोई डूब नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को इतने महिमा गा करके लास्ट में कहते हैं, बोले ए तो परिहार जे पाप निंदा करे तबे तार लाथी मारो सिर ऊपर। कहते मैंने नित्यानंद प्रभु का इतने महिमा को गाया, इतने महिमा को हमने गाया, लेकिन इतने करने बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति फिर नित्यानंद प्रभु को निंदा करते हैं, कहते मैं उसका सर पर लात मारता हूँ, उसका सर पर मैं लात मारता हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद अपना टीका में कहते हैं, बोले भैया वृंदावन दास ठाकुर इतने बड़े वैष्णव होकर के कहते लात मारेंगे किसको सर के ऊपर में, है ये कैसे बात है, किसको पर लात कैसे मारेंगे। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, भैया श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव, अगर किसी व्यक्ति को सर पर अगर लात मारे है ना, क्या मिलेगा उसको, बोले वैष्णव का चरण धूल मिलेगा। साधारण भाग्य से कोई वैष्णव का लात कोई पा नहीं सकते हैं, हैं? बड़े भाग्य से किसी जीव को वैष्णव का लात मिलता है। अगर किसी वैष्णव अगर किसी को शासन कर दिया, लात मारे उसको, सर पर अगर वैष्णव का चरण धूली पड़ा तो उसका जीवन तो धन्य हो जाएगा, उसका जीवन तो मंगलमय हो जाएगा। इसलिए वैष्णव कभी किसी का मंगल करते नहीं, सबको वैष्णव लोग सभी उनके मंगल करते हैं वैष्णव लोग।
इसलिए बड़े भाग्य से वैष्णव का चरण धूलि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए कहते श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ये हम लोगों को ऐसे एक ग्रंथ प्रदान किया जो चैतन्य भागवत ग्रंथ प्रदान किया, जिस चैतन्य भागवत ग्रंथ को अगर हम अध्ययन करें, इसलिए हम सबसे तो प्रार्थना करेंगे आप लोग जितने लोग इसको दर्शन करोगे जरूर चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि हमने देखा गौड़ीय मठ में हम जब से आया देखता था चैतन्य मठ सारे गौड़ीय मठ में सबसे पहले ये चैतन्य भागवत कथा होती, क्योंकि चैतन्य भागवत ये संपूर्ण रूप में भक्ति रस इसमें भरा पड़ा हुआ। अगर आपको कृष्ण प्रेम में रोना है कहते ये चैतन्य भागवत ग्रंथ को पढ़ो, अगर इसको चंडाल जवन अगर भी पढ़ेगा उसको उसकी हृदय में भी कृष्ण भक्ति रस की संचार उनका हृदय में हो जाएगा, इतने सुंदर श्री ये चैतन्य भागवत ग्रंथ है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी है उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ को रचना करते हुए हम सबको ब्रह्मणि ने कृपा की, इसलिए हम आज उनके चरण में प्रणाम करते हैं। उन्होंने जो दिव्य ग्रंथ चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखे अभी भी हमारे परमेश्वरी प्रभु वृंदावन मठ में ये चैतन्य भागवत को पढ़ते हैं और उसको उसको नीचे जो टीका प्रभुपाद और भक्तिविनोद ठाकुर का उसको अंदर में भी टीका में अद्भुत अद्भुत वहां पर मीमांसा और सिद्धांत को उन्होंने ये उनकी टीका में भी उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए आप सबके प्रार्थना है चैतन्य भागवत ग्रंथ को जरूर पढ़ो और इसको पढ़ने से तब ये वृंदावन दास ठाकुर हमें क्या प्रदान किया, हम वृंदावन दास ठाकुर चरण में क्यों इतने ऋणी हैं, हम ये चीज को समझ सकते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति जब गौर पदार बिंदे है जथा जथा गौरव पदार बिंदे बिंदती भक्ति कृत पुण्य राशि, यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जब तक तो कोई व्यक्ति महाप्रभु का प्रेम रस में कोई गोता नहीं लगाएगा तब तक तो राधा कृष्ण का प्रेम को अनुभूति कर ही नहीं सकते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौर प्रेम रसार नवे से तरंग जे बाडूवे से राधा माधव अंतरंग। इसलिए गौर प्रेम रसार नवे से तरंग जेवा डूबे, महाप्रभु का प्रेम रस में जो डूबेगा से जारे भक्त राधा माधव अंतरंग, वही व्यक्ति राधा कृष्ण की निभृत लीला में उनको प्रेम रस में वही विहार कर सकता है। महाप्रभु की कृपा के बगैर उनकी लीला के बगैर हम राधा कृष्ण का प्रेम रस में डूब नहीं सकते। गुरु जी कहते थे अगर किसको राधा कृष्ण प्रेम पाना क्या करना पड़ेगा, नवद्वीप में निर्दया घाट में उसको डुबकी लगाना पड़ेगा। निर्दया घाट में तो गोता लगाओगे लेकिन निकलोगे कहां पर, चलो वृंदावन का किसी घाट में यहाँ निकलोगे, मतलब महाप्रभु का प्रेम रस में डूबने पर अपनी आप तुम राधा कृष्ण की प्रेम में अपनी आप निकले जाओगे। इसलिए इनके ग्रंथ हमारे लिए बहुत बड़ा वस्तु है, इसलिए सभी ये चैतन्य भागवत ग्रंथों को पढ़े और इसको समझे, महाप्रभु लीला की जो शिक्षा को अपना जीवन में उतारे और अपना जीवन को धन्याति धन्य बना। बोले श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, तदीय तिरुभाव महामहोत्सव की जय। थोड़ा कीर्तन कर लो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna
महाराज जी के श्री चरणों में सभी की तरफ से मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। महाराज जी ने अपना अमूल्य समय निकाल के इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, बहुत सुंदर। और महाराज जी ने हम सबको आदेश भी दिया है कि वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत को हम सबको अवश्य अवश्य पढ़ना चाहिए अगर हम भगवान का प्रेम चाहते हैं। और महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर पाखंडी व्यक्ति भी इसको पढ़ेगा तो उसको भी प्रेम हो जाएगा। तो हमसे ज्यादा पाखंडी और हमसे ज्यादा गिरा हुआ कौन दुनिया में होगा। इसलिए ये ग्रंथ हमारे सबके लिए है, विशेषतः मेरे लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पढ़ने से भी इससे भगवान का प्रेम मिल सकता है। तो महाराज जी की इस बात को, इस आज्ञा को हम सब लोग पालन करने की कोशिश करेंगे। और महाराज जी के श्री चरणों में फिर से निवेदन करूंगा कि इसी तरह से हमारे प्रोग्राम पे आते रहें और सभी का उत्साह बढ़ाते रहें अनेक अनेक तिथियों पे। अगली बार महाराज जी आएंगे 11 तारीख को, श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है, महाराज जी फिर एक बार हमारे साथ होंगे। तो महाराज जी को मैं सभी की तरफ से अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बोलो भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि की जय, तिरुभाव तिथि पालन करे भक्त वृंद की जय, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोतस श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल 8 बजे हमारे साथ होंगे, हम फिर एक बार गुरुदेव की मधुर स्मृतियां प्रोग्राम करेंगे और उसमें हमारी सखी ललिता दासी जी होंगी बड़ौत से और हमारी प्रीति दीदी होंगी बुलंदशहर से, जो अपने अनुभव गुरु जी के अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल शाम को 8 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। गुरुदेव महाराज की जय, भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।